वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है WH क्वेश्चन। तो ये जो WH क्वेश्चन है वो अंग्रेजी बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट अभी 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो WH क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो WH क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। तो वो WH वर्ड्स कौन से है? तो वो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हुम, वर, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार। तो इसमें कॉमन चीज क्या है? ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उनकी स्टार्टिंग WH वर्ड से हुई है। तो उसका मतलब समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट, सबसे पहले जो वर्ड है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। जनरली हमें किसी का नाम भी पूछना होता है तो हम क्या क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट मीन्स क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। Then when, when means कब। तो यहाँ when से जो question start होता है उसका answer हमें कब, कब मतलब क्या कि उसके लिए हमें time बताना पड़ता है। उसके बाद है why, why का मतलब क्यों, क्यों मतलब why से जो भी question start होता है उसका answer because से देना होता है। Because मतलब यहाँ हमें reason बताना पड़ता है why के क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है विच, विच मीन्स कौन सा। देन हुम, हुम मीन्स किसका। देन वेयर मीन्स कहाँ, यहाँ पे आंसर आएगा प्लेस का नाम। देन हु, हु मीन्स कौन, तो हु से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके बाद जो आंसर हमें मिलेगा वो है एक पर्सन का नाम। ओके, हु मीन्स कौन। हाउ मीन्स कैसा। How many और how much का मतलब होता है कितना। तो how many use for countable things and how much use for uncountable things। Okay, then how far means कितने दूर, यहाँ पे distance बताना होता है। Okay, तो ये तो थे WH question। इसे और ज्यादा deeply details में हम समझते हैं with the examples। एग्जाम्पल लेने से पहले गाइस आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन बनाने को हमने सीखा है और आज जो है वो WH है। इसके पहले हमने डूडल्स, डीड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो भी हमने लिए हैं कि उसका जो आंसर आता है वो एसनो में आता है और WH का जो आंसर आता है वो हमें डिटेल्स में बताना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है राज स्कूल में है, मैंने एग्जांपल बोला है क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे फुल स्टॉप है तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। ओके, तो सबसे पहले इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। राज स्कूल में है, राज इज इन स्कूल। ओके, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एम, इज, आर। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया इज, जबकि राज सिंगल पर्सन है तो राज के बाद मैंने इज ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ओके, राज इज इन मार्केट। तो इसी सेंटेंस का हमें क्वेश्चन बनाना है कि राज कहाँ है। ओके, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। तो कहाँ मतलब यहाँ पे मैंने कहा कहां मतलब वेयर। ओके, तो वेयर, तो वेयर के बाद खाली हमें WH क्वेश्चन के लिए सिर्फ वर्ड नहीं यूज करना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हमें यूज करना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये जो इज है वही हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर लेंगे। वेयर इज राज, मतलब जब भी आपको अंग्रेजी बोलना होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सिंपल सेंटेंस आप में आपके ध्यान में ही हो। तो मैंने सिखाया है कि है के लिए इज यूज होता है, तो राज कहाँ है, है के लिए इज आएगा। तो वेयर के
इज का यूज करना है, वेयर इज राज. ओके, द नेक्स्ट इज राज कौन है, तो कौन के लिए हु यूज होगा और हु के बाद इज ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. हु इज राज, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि डबल एच के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज ही करना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज राज स्कूल में था. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट. ओके, तो स्कूल में था तो राज वॉज इन स्कूल. ओके, इसका क्वेश्चन बनाना है, था के लिए हमने वॉज ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. जैसे ही यहाँ पे हमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज करने हैं तो उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के आगे ये वॉज ही यूज होगा, बिकॉज ऑल सेंटेंस के एंडिंग में था ये वर्ड्स आया है, तो था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पे वॉज क्यों यूज हुआ, बिकॉज राज इज अ सिंगल पर्सन. ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, राज स्कूल में कब था. ओके, कब मीन्स व्हेन. ओके, तो व्हेन वॉज राज इन स्कूल, व्हेन वॉज राज इन स्कूल. राज स्कूल में क्यों नहीं था. ओके, क्यों नहीं था, तो क्यों के लिए यूज होगा व्हाई. अभी यहाँ पे नहीं वर्ड आया है, मतलब ये क्वेश्चन नेगेटिव है. तो राज स्कूल में क्यों नहीं था, तो क्यों के लिए आएगा व्हाई, और वॉज हेल्पिंग वर्ब जबकि हमें यूज करना है तो उसके साथ एंटी फॉर्म भी आएगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. सो व्हाई वॉजंट राज इन स्कूल. अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज राज स्कूल में होगा, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर से बिलोंग करता है और फ्यूचर के लिए शैल बी विल बी का यूज होता है. तो राज स्कूल में होगा, राज विल बी इन स्कूल. ओके, विल बी का यूज हुआ है फॉर फ्यूचर टेंस. तो स्कूल में कौन होगा, तो कौन के लिए यूज होगा, हु. Who के बाद will be use होगा, who will be in school, who will be in school. Then third example is Raj school में कैसे होगा. Okay, तो कैसे के लिए how, how will be Raj in स्कूल. ओके, तो कौन के लिए यूज हुआ, हु के बाद आएगा विल बी, और कैसे के लिए आएगा हाउ, हाउ विल बी राज इन स्कूल. देखिए गाइस, अभी जो एग्जांपल मैंने लिए है वो सिंपल सेंटेंस है कि उसमें कोई भी एक्शन नहीं है. अभी जो एग्जांपल मैं लेने वाली हूँ उसमें एक्शन होती है. एक्शन मतलब कुछ, देखिए यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, जस्ट लाइक राज स्कूल जाता है, तो जाने के लिए वर्ब यूज होगा गो. राज गोज टू स्कूल. ओके, राज गोज टू स्कूल, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है. देखते हैं इसका डब्ल्यू एच कैसे बनाते हैं. राज स्कूल कैसे जाता है, कैसे, कैसे मतलब हाउ. तो यहाँ पे हाउ तो यूज कर लिया, तो व्हाट अबाउट हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा बताइए. यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल थे. ओके, तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको आपको बताया था कि वी वन का क्वेश्चन, जो एक्शन हमें हम हर रोज करते हैं, तो उसके क्वेश्चन डू एंड डज से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, डू और डज. तो यहाँ पे राज सिंगल पर्सन है इसलिए हाउ के बाद डज यूज होगा. तो हाउ डज राज गो टू स्कूल.
क्या है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्यों मतलब why? Why? Does, does, क्यों एंटीफॉर्म लगाने से वो नेगेटिव होता है, अदरवाइज वी यूज does आफ्टर नॉट. ओके, तो why doesn't राज गो टू स्कूल. ओके, तो V1 का क्वेश्चन है, इसलिए हमें ये हाउ और वाई के बाद मतलब ऑल हेल्पिंग WH के बाद हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, डू एंड डस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस. तो जाता है मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, गया मतलब वो पास्ट का सेंटेंस हुआ, सिंपल पास्ट का. तो राज स्कूल गया, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा. क्या है वो? गो का पास्ट फॉर्म है वेंट. तो एग्जांपल आएगा राज वेंट टू स्कूल. राज वेंट टू स्कूल, हियर वी यूज्ड हियर वी टू सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. ओके, उसका डब्ल्यूएच बना लेते हैं. राज कहा गया. ओके, कहा, कहा मतलब यहां क्या यूज होगा? वेयर. ओके, वेयर, यहां पे कहा के लिए वेयर हेल्प, वेयर ये डब्ल्यूएच यूज हुआ. पर व्हाट अबाउट हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू डस है, तो उसका पास्ट फॉर्म ही हमें यहाँ पे यूज करना है. वी जस्ट डिड. Where did Raj go? Okay, जैसे ही हम did का यूज करते हैं तो सेकेंड फॉर्म टर्न इंटू फर्स्ट फॉर्म, इसलिए went का फर्स्ट फॉर्म go यहाँ पे हमने यूज किया because of did. तो where did Raj go? Okay, next is Raj school क्यों गया? क्यों मतलब why? Why did Raj go? Okay. Why did Raj go to school? Okay. Well, why के बाद use हुआ did. Why did Raj go to school? Our next sentence belongs to future tense. Raj school जाएगा. अभी यहाँ पे भी फ्यूचर का एग्जाम्पल ऑलरेडी अवेलेबल है और ये भी फ्यूचर का ही एग्जाम्पल है. तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू सेंटेंसेस? लुक एट ऑन द बोर्ड. राज स्कूल में होगा और राज स्कूल जाएगा, तो यहाँ कोई भी एक्शन नहीं दी गई है, इसलिए विल के बाद बी यूज किया. और यहाँ पे जाने की एक्शन है. बोथ सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर, बट यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्शन दी गई है, यहाँ बी यूज होगा, इस सेंटेंस में बी का यूज नहीं होगा. ओके, राज स्कूल जाएगा, राज विल गो टू स्कूल. ओके, क्वेश्चन देखिए, राज स्कूल कैसे जाएगा? कैसे मतलब हाउ, हाउ के बाद विल यूज होगा. हाउ विल राज गो टू स्कूल? हाउ विल राज गो टू स्कूल, कैसे के लिए हाउ यूज होगा? और ये जो विल हेल्पिंग वर्ब है ये मैंने फॉरवर्ड किया है यहाँ पे. हाउ विल राज गो टू स्कूल? राज स्कूल कब जाएगा मतलब व्हेन. ओके, व्हेन विल, व्हेन विल राज गो टू स्कूल? देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने डब्ल्यूएच आपको सिखाया है विच इज ओनली बिलोंग्स टू अवर प्रीवियस टीचिंग, मतलब जो भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी सेंटेंस को हमें डब्ल्यूएच में कन्वर्ट करना आना चाहिए. अभी देखिए, डायरेक्टली डब्ल्यूएच लेने से हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आज इस स्टेज पे आपको पता है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, तो इसके लिए आपको एक फायदा अलग से है कि पहले जो आपने टॉपिक देखे हैं, अभी WH बनाने में आपको वही इस्तेमाल करने में आसानी होती है. थैंक यू सो मच.